ओके देन सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने म्यूचुअल फंड्स को एकदम बेसिक लेवल से समझने की कोशिश की है, स्टार्ट कर दिया है एंड वी आर नाउ एक बेसिक आइडिया आ गया अपने को म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब मैं म्यूचुअल फंड गया मार्केट में खरीदने, ठीक है, और मैं एनएफओ पीरियड के बाद गया, तो मैं मार्केट में खरीदने गया तो क्या प्राइस पे खरीदूंगा? आई विल हैव टू परचेज इट बॉस एट नेट एसेट वैल्यू। हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनी से ही खरीदूंगा, ओपन एंडेड फंड है तो टेंशन नहीं है। और समझो मेरे को फ्यूचर में सेल भी करना है तो भी मैं कहां पे बेचूंगा? म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या रेट पे? नेट एसेट वैल्यू। तो बॉस ये नेट एसेट वैल्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यही मुझे बताएगा कि मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जून को आप लोग परचेस करने को गए 1000 यूनिट्स, यू वेंट टू परचेस 1000 यूनिट्स एट रुपीज 10। अपना ये वाला एग्जाम्पल चल रहा है भाई, फर्स्ट जून वाला, मतलब ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट जून को आप लोग ने परचेस किया 1000 यूनिट्स एट द रेट, मतलब एनएफओ पीरियड में आप लोग ने परचेस कर लिया 10,000 रुपए का 1000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 10। तो आप लोग ने एक 10,000 रुपए का आप लोग ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदा। अब सुनो, आप बोलते हो कि सर 15th जुलाई को मेरा रिजल्ट आया और अब मेरे को पार्टी करनी है तो मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं ये यूनिट्स बेच रहा हूं, तो ये 1000 यूनिट्स जब आप बेचोगे तो आप क्या प्राइस पे बेचोगे? 10 रुपए पे बेचोगे क्या? द आंसर इज नो। आप क्या प्राइस पे बेचोगे ये 1000 यूनिट्स? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी। हाँ, अब अगर आपको ये बेचना है ना बेटा, तो आपको ये नैव पर यूनिट पे बेचना पड़ेगा। कौन से डेट का नैव? 15th जुलाई के डेट का नैव, समझे क्या? 15th जुलाई के डेट के नैव पे आपको ये बेचना पड़ेगा। सपोज उस दिन मैंने कॉल करके पूछा क्या नैव चल रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बोला रुपीज 18 पर यूनिट, सो देयरफॉर ये हो जाएगा रुपीज 18,000। ए समझी गुड एवरीबॉडी। चलो अब समझ में आ रहा है, फील आ रहा है आप लोगों को क्या होता है नैव? सो बेसिकली नैव इज व्हाट? नैव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, सिंपल। जी हाँ, नैव पर यूनिट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जी हाँ, ओके चल। नाउ द रियल फन इज गोइंग टू स्टार्ट। क्यों पता है? क्योंकि अब मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूं एंड आई विल एक्सपेक्ट यू टू आंसर। अब आप हो मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी के सीआईओ। सर सीआईओ ये क्या होता है? मेरा फंड है एसके म्यूचुअल फंड और इस कंपनी का ये है एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। मेरी इस कंपनी का सीआईओ आप है। जी हां, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर is what you are, chief investment officer। अब आइए, फर्स्ट जैन को हमारे जो ये CIO है, जो chief investment officer है, इनके पास आप गए, NFO period था, so इन्होंने 2000 units issue किए। सुनना ध्यान से, ज्यादा ये तो भाई सीआईओ है तो इन्होंने से ज्यादा यूनिट्स इशू किए, 2 लाख। चलो 2 लाख, 2 लाख यूनिट्स इशू किए एट द रेट रुपीज 10 पर यूनिट। कब? फर्स्ट जैन से लेकर 10th जैन के बीच में, फर्स्ट टू 10th जैन के बीच में आप सीआईओ, आपने 2 लाख यूनिट्स इशू किए एट द रेट 10 पर यूनिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस पर यूनिट।
बेटा दिस इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस पर यूनिट, इश्यू प्राइस पर यूनिट। अब मेरे को एक बात बताओ, तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली पूछ रहा हूं, ये जो 2 लाख यूनिट्स इश्यू किया एट द रेट 10, ये टोटल अमाउंट कितना हुआ और इसको क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर ना गाइस, कम ऑन। ये टोटल अमाउंट कितना हुआ और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड द अमाउंट इज ₹20 लाख। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जय बात, मतलब एकदम स्मार्ट लोग मिले यार मेरे को। तुम लोग सब पढ़कर आए हो क्या, सीख कर आए हो क्या? ग्रेट ग्रेट पीपल यार, वेरी नाइस। करेक्ट, ₹20 लाख इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब मुझे कोई एक नाम चाहिए आप लोग में से। आप लोग में से जो बोलेगा ना सबसे पहले आई या मी, मी जो सबसे पहले लिखेगा मी, वो मेरा एग्जाम्पल बनेगा। आई वॉन्ट अ पर्सन फ्रॉम योल। मेरे को तुम लोग में से कोई एक इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है? वैसे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट होल्डर। मी सबसे पहले मी आया है। श्रेयस और विमल में टाई है, चलो वील गो एट विद श्रेयस। विमल का अपन लोग ने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी ले लिया है, सो श्रेयस रहाणी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर श्रेयस रहाणी। श्रेयस वेर आर यू फ्रॉम? रहाणे है तो बॉम्बे से ही होगा, आप तो अजिंक्य रहाणे बॉम्बे से, तो वो भी इधर से ही होगा। हाँ, तो असेट अंडर मैनेजमेंट है अपने पास 20 लाख रुपए। ए भाई ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो आ रहा है, तभी तो वो लोग ने मी बोला। ओके ही इज फ्रॉम मुंबई। चल सो अब मिस्टर श्रेयस, मिस्टर श्रेयस फ्रॉम मुंबई इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है? ये मेरे पास आता है, चलो इसको इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं बनाता हूं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मेरी कंपनी का। मेरी कंपनी के पास 20 लाख रुपीज का म्यूचुअल फंड है। मेरी कंपनी के पास 20 लाख रुपीज का म्यूचुअल फंड है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास एयूएम है, दिस इज ₹20 लाख। ये मैं, जो हमारा श्रेयस भाई है, इसने इन्वेस्ट किया। श्रेयस बोलता है सर पूरा का पूरा पैसा मैं तो इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, जैसी तेरी इच्छा। तू इस कंपनी का सीआईओ है, तेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं। गाइस अभी ध्यान से सुनना, आंसर एवरीबडी हैज टू गिव, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द सीआईओ, दैट इज मिस्टर श्रेयस। ओके 1 जैन को जब ये लोग के पास इतना पैसा आया, इधर मैं लिखता हूं डेट्स, ठीक है? इधर मैं लिखता हूं से 10 जैन जब इसने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, और से ये हो गया अपना 1 जैन से लेकर 10 जैन तक ये लोग के पास काफी सारा पैसा आ गया। अच्छा आई थिंक पीयूष और इवन प्रीत तुम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हो, थोड़ा आगे आ जाओ ना, तो तुम लोग मेरे साथ लेवल पे आ जाओगे। मतलब स्लो चल रहे हो तो तुम लोग पीछे है, लाइव में नहीं बैठे हो तुम लोग, ऐसा समझ। फर्स्ट, अब ये जो 20 लाख रुपए आया है, इसको वो बोलता है मैं इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी शेयर्स में। उसने पता है कहां पे इन्वेस्ट किया? अब मैं तुम लोगों को एक पहेली दे रहा हूं, उसका आंसर तुम लोगों को देना है। पहेली मतलब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम लोगों को मेरे को देना है, ठीक है? सुनो ध्यान से, मिस्टर श्रेयस इन्वेस्टेड इन इंडियाज टॉप 2 कंपनीज हैविंग द हाइएस्ट मार्केट वैल्यू। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में हाइएस्ट मार्केट वैल्यू
जिसका है वो दो कंपनीज में श्रेयस ने इन्वेस्ट किया। एनी गैसेस, कौन सी दो कंपनीज है वो? एनी गैसेस, ऐसी कंपनीज जिसका हाईएस्ट मार्केट वैल्यू है। वेरी गुड, रिलायंस इज वन ऑफ देम एंड द अदर इज, रिलायंस तो मुझे पता ही था तुम लोग तुक्का लगाओगे ही लगाओगे। अदर इज, द अदर कंपनी इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो 20 लाख रुपए में से, 20 लाख रुपए में से रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10 लाख रुपए लगाया श्रेयस ने, एंड TCS में 10 लाख रुपए लगाया श्रेयस ने। ओके सर, अच्छी बात है, ठीक है। जब श्रेयस ने ये इन्वेस्टमेंट किया उस दिन शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस वॉज ₹500 पर शेयर एंड TCS का था ₹2000 पर शेयर। आपको मेरे को बताना है श्रेयस ने टोटल म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे रिलायंस का कितना शेयर्स खरीदा और TCS का कितना शेयर्स खरीदा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट एवरीबॉडी हैज टू आंसर, कम ऑन टेल मी, बोलो क्विकली। वेरी गुड, 2000 शेयर्स ऑफ रिलायंस कैसे किया? इजी, ₹10 लाख, उसमें से एक शेयर है ₹500 का, सो दिस इज 200 शेयर्स उसने खरीदा म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे ऑफ रिलायंस। वेरी नाइस, एंड 10 लाख डिवाइड बाय 2000 पर शेयर उसने खरीदा, सो दिस इज करेक्ट 500 शेयर्स उसने खरीदा ऑफ एसके म्यूचुअल, ऑफ TCS, करेक्ट। अब सुनो, इधर तक अपने को क्लियर है? सी, सिचुएशंस आर नाउ गोइंग टू गेट एट अ गुड लेवल एंड आंसर यू आर गोइंग टू गिव, आई एम नॉट गोइंग टू गिव, तो फोकस रखना। 20 लाख का AUM है, उसमें से 10 लाख उसने रिलायंस में डाला, 10 लाख उसने TCS में डाला, एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 लाख यूनिट्स इशू किया था, ठीक है, एट द रेट ₹10 पर यूनिट। अब हुआ क्या, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को एक यूनिट होल्डर आता है। इस यूनिट होल्डर के पास टोटल 1000 यूनिट्स है एंड ही वॉन्ट्स टू सेल दिस 1000 यूनिट्स, वॉन्ट्स टू सेल 1000 यूनिट्स। क्या रेट पे सेल करेगा? एट द रेट नैव पर यूनिट ऑन 31 जैन, ऑन 31 जैन। बट 31 जैन को नैव क्या है वो तो पहले अपने को पता हो कि 31 जैन को नैव क्या है, तो अब अपने को वही चीज कैलकुलेट करनी है, 31 जैन को नैव क्या है। मैं तुम लोगों को खाली, अच्छा मुझे बताओ तुम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास है? तुम लोग को इस यूनिट होल्डर को, ये यूनिट होल्डर कौन है तुम लोग में से? से फॉर एग्जाम्पल उमा, उमा इज माई यूनिट होल्डर। उमा मेरे पास से 1000 यूनिट्स लेके गई थी ऑन 1 जैन, आज 31 जैन आ गया है और उमा मेरे पास आई और बोलती है सर ये लो मेरा 1000 यूनिट्स और मेरे को मेरा पैसा दे दो, आई वॉन्ट टू रिडीम, आई वॉन्ट टू सेल माई 1000 यूनिट्स। अब ओके, बहुत अच्छे, आप लोग बोल रहे हो कि सर आप हम लोग को एक बार रिलायंस और TCS का शेयर प्राइस बता दो, तो मैं उनको बताता हूं, रिलायंस 31 जैन को है, हो गया है ₹6000 पर शेयर एंड TCS 31 जैन को हो गया है मैंने इधर कुछ कैलकुलेशन एरर किया, ये 2000 शेयर्स हुआ ना गाइस, ये 2000 शेयर्स हुआ ना, ये 500 शेयर्स हुआ, राइट। सो ये हो गया है, सॉरी ओके, अभी तक देखना, रिलायंस का प्राइस हो गया है ₹600 पर शेयर, ₹600 पर शेयर एंड TCS का प्राइस हो गया है
रुपीज 2500 पर शेयर। कैलकुलेट उमा को मैं, कैलकुलेट द नैव पर यूनिट एंड उमा को मैं कितना पैसा दूंगा, ये आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। टाइम इज अप, टाइम इज अप। क्या बात है, सही जवाब आ चुका है सब लोगों का। एंड ये लोग का आंसर आया है 12.25 पर यूनिट। ओके, श्रेयस, मीत, हर्ष, श्याम, विमल, अदर्स, अदर्स सबका चाहिए रे भाई। वेरी नाइस गाइस। सो अब ये लोग ने क्या किया, देखो अगर आप इस कंपनी के, इस म्यूचुअल फंड के सीआईओ होते, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज आप जाओगे देखोगे रिलायंस, आपके पास रिलायंस का कितना शेयर्स है। सर हमारे पास 2000 शेयर्स है। यू विल इमीडिएटली राइट ऑन 31 जैन, मेरे पास म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 2000 शेयर्स है। एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया है सर, 600 पर शेयर, तो टोटल कितना हो गया है, रुपीज 12 लाख। यस सर, करेक्ट। दूसरा सर मेरे पास टीसीएस भी है। अच्छा टीसीएस का कितना शेयर्स है सर, 500 शेयर्स है एट द रेट 2500 पर शेयर। ओके, सो 500 इंटू 2500 कितना होता है, रुपीज 12,50,000। सो टोटल कितना हुआ सर, टोटल हो गया रुपीज 24,50,000। टोटल 24,50,000। बट ये 24,50,000 क्या होता है पता है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल नेट एसेट वैल्यू। भाई इसको बोलेंगे टोटल नेट एसेट वैल्यू ना, आज मेरा टोटल नेट एसेट वैल्यू 24,50,000 हो गया, डिवाइड बाय कितना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है बेटा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इस म्यूचुअल फंड के पास कितना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है सर, सर 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 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 2 लाख यूनिट्स है, 2 लाख यूनिट्स है। सो मैंने इसको इमीडिएटली डिवाइड कर दिया 2 लाख यूनिट्स के साथ। आई विल गेट द नैव पर यूनिट गाइस, आई विल गेट द नैव पर यूनिट विच इज हाउ मच, आई विल ट्रस्ट यू ऑल सर, रुपीज 12.25 पर यूनिट, सर रुपीज 12.25 पर यूनिट। ए समझे गुडू एवरीबॉडी, रुपीज 12.25 पर यूनिट। अब उमा मेरे पास आई, उमा का फोन आया, उमा मेरे पास आई, उमा बोली कि सर मेरे 1000 यूनिट्स का मुझे रिटर्न दे दो। मैंने बोला नो प्रॉब्लम उमा, तेरे पास 1000 यूनिट्स है ना बेटा। उसने बोला यस सर। सो 1000 यूनिट्स के लिए अपन लोग उमा को कितना दे देंगे, अपन बोलेंगे सुन भाई एक यूनिट का तेरे को मिलेगा 12.25 पर यूनिट। सो इन शॉर्ट उसको मिल जाएगा रुपीज 12.25 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, करेक्ट 12,000 250। उमा ने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000, उसको मिल कितना रहा है 12,250, 2,250 इज हर प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। ए क्लियर एवरीबॉडी, इसको बेसिकली बोलते हैं टोटल नैव, इसको बेसिकली बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या आप लोग अब एक्साइटेड हो सीआईओ बनने के लिए,
सीआईओ का काम होता है ये नैव कैलकुलेट करना. एंड गाइज आई एम सो हैप्पी ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू हैज कैलकुलेटेड इट एंड गिविंग मी द करेक्ट आंसर. अब जिसका भी आंसर नहीं आया, जिसका आंसर आ गया ना उसको लग रहा होगा अरे ये तो कितना सिंपल है सर, आगे और कुछ पूछो. बट हो सकते हैं कुछ लोग जिनका आंसर नहीं आया, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेल मी सर हमारा ये गलती हुआ या हम लोग को ये नहीं समझ में आया या हम लोग का ये आंसर नहीं आया, एंड आई विल गाइड यू फॉरवर्ड. सो प्लीज, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया या कुछ है तो प्लीज लेट मी नो. अब देखो तुम लोगों को डाउट्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो आगे बढ़ना पड़ेगा. मैं वेट कर रहा हूं कब से कि कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, सर मेरे को ये डाउट है, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मेरा ये रॉन्ग हुआ. अब तुम लोग में से सबका सब राइट जा रहा है तो मैं क्या करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल चीज नैव, नो डाउट, वेरी गुड, तो फिर अच्छी बात है. तो नो डाउट तो लिख दो ना, नो डाउट तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना. अब सुनो, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड नैव पर यूनिट. सर ऐसा नैव पर यूनिट के ऊपर भी कैलकुलेट करने के लिए आता है क्या क्वेश्चन? यस. ठीक है, सो अपन लोग अब वो लेवल पे आते जा रहे हैं, डोंट वरी. अब सुनो, एक सुनो सर, तो ये नैव कब कैलकुलेट होता है? गुड क्वेश्चन. एवरी डे नैव इज कैलकुलेटेड एट 3:30 PM, एट 3:30 PM बाय द म्यूचुअल फंड. सर क्यों ऐसा 3:30 PM? कुछ मुहूर्त के लिए अच्छा है क्या? 3:30, 3 × 3 9, ऐसा कुछ मुहूर्त अच्छा है क्या? सुनो, 3:15, 3:30 के बीच में मार्केट बंद हो जाता है. जैसे ही मार्केट, स्टॉक मार्केट बंद होता है तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जो उसने स्टॉक खरीदे होते हैं ना, शेयर्स खरीदे होते हैं ना, उसका मार्केट वैल्यू एज ऑफ दैट डेट एट 3:30 कैलकुलेट करता है एंड देन करके वो पब्लिश कर देता है सेबी को. सेबी समझते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को. सो एवरी डे 3:30 PM को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फोन करता है सीआईओ, म्यूचुअल फंड के सीआईओ को, भाई आज तेरे म्यूचुअल फंड का नैव कितना है, तो आज उसके म्यूचुअल फंड का नैव एस्टेब्लिश हो जाएगा. अब 3:30 PM को म्यूचुअल फंड का नैव आया, अब वो दिन से लेकर अगले दिन 3:29 PM तक आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो यू विल हैव टू परचेज और सेल इट एट दैट नैव जो 3:30 को प्रीवियस डे का है. तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं गाइस? तो अब आपको से फॉर एग्जांपल 3:30 को नैव हो गया, हम लोग ने एस्टेब्लिश कर दिया, बराबर है, तो हो गया. अब 3:30 PM से लेकर अगले दिन का 3:30 PM तक आपको अगर खरीदना है कोई, तो वो वही नैव के ऊपर आपको खरीदना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट डे पे खरीदना है तो उसके पहले तो वापस नैव आ जाएगा. नैव, गॉट इट एवरीबॉडी? सो बेटा जी, नैव पर यूनिट कैलकुलेट होता है एवरी सिंगल डे एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सीआईओ का. एंड मेनी कंपनीज हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज दे आर सीआईओ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एज दे आर सीआईओ, सो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम. नैव पर यूनिट इज कैलक्यूलेटेड एवरी डे, एवरी डे एट एंड ऑफ ट्रेडिंग टाइम, एट एंड ऑफ ट्रेडिंग टाइम जो यूजुअली क्या होता है बेटा? 3:30 PM. ये खाली आप लोगों को एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं तो आइडिया रहेगा. अब अगर 10 जैन को, सुनो ना, 10 जैन को क्लोजिंग नैव है एसके म्यूचुअल फंड का, एसके म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग नैव है रुपीज 1,050 पर यूनिट.
ठीक है, तो फिर ऑल ट्रांजेक्शन्स विल बी एट रुपीज 1050। कब तक? फ्रॉम 10th जैन 3:30 PM टू 11th जैन 3:30 PM। फिर वापस से 11th जैन को नया नया कैलकुलेट होगा। समझ रहा है क्या तुम लोगों को गाइस? प्रैक्टिकली भी अब से फॉर एग्जाम्पल 11th जैन को वापस से 11th जैन 3:30 PM को मेरा क्लोजिंग नैव हो गया 1075 पर यूनिट। तो अब क्या होगा, 11th टू 12th जैन क्या हो जाएगा? 11th टू 12th जैन क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एट ₹1075 पर यूनिट। ए समझू? क्लियर क्लियर क्लियर। सो अब अपने को समझ में आ गया नैब क्या होता है क्लियरली एकदम। कब कैलकुलेट होता है? एवरीडे 3:30 PM। कैसे होता है कैलकुलेट? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब इसमें और देखो, एक बेस क्लियर हो गया, अब इसके ऊपर अपन लोग और एडवांस लेवल फिल्ड अप करते जाएंगे एंड थिंग्स विल बिकम वेरी इजी, राइट? अब बेस अपने को क्लियर, अब समझ में आ गया नैव क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया बेसिक लेवल पे। और मैं तो बोल रहा हूँ नैव तुम लोग ने ही कैलकुलेट किया, मैंने तो किया भी नहीं, मतलब यू आर सो स्मार्ट इनफ कि भाई हाँ हम लोगों को समझ गया हाउ इट इज टू बी डन। अब इसके ऊपर एक 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 चीज अपन लोग ऐड करते जाएंगे एंड थिंग्स विल बिकम क्लियरर एंड क्लियरर। सो अगर नैव से रिलेटेड मेरे को तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो मैं पूछता हूँ, देखते हैं तुम लोग का आंसर्स क्या आता है। नेट एसेट वैल्यू मैं जो लिखवा रहा हूँ वो तुम लोग लिख भी सकते हो बाद में, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, डज नैव चेंज एवरी डे? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन, डज नैव चेंज एवरी डे? ओके, द आंसर इज करेक्ट बाय ईच वन ऑफ यू एंड इट इज अ बिग यस। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। ओके, डज नैव चेंज, देखो अभी तुम लोग स्टॉक मार्केट को देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट में एवरी सेकेंड शेयर का प्राइस चेंज होता है, खड़ा खट खड़ा खट, देखा भी होगा तुम लोग ने कभी वो CNBC या वो सब कुछ। डज नैव चेंज एवरी सेकेंड लाइक शेयर्स इन स्टॉक मार्केट? लाइक शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, डज इट चेंज एवरी सेकेंड? करेक्ट, द आंसर इज नो सर, खाली एक दिन में एक बार। थर्ड क्वेश्चन, इज नैव गिवन टू सेबी एट डे एंड एवरी डे? बोलो यस और नो। इज नैव गिवन टू सेबी एट डे एंड एवरी डे? द आंसर इज अ बिग यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को देना है, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। देखो अब इससे क्या हो रहा है, बेसिक्स भी क्लियर होते जा रहा है, तुम लोग जब रिवाइज करोगे ना तब ये चीज पढ़ोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलो अभी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड एट व्हाट प्राइस?
यस, करेक्ट आंसर इज नैव। वेरी वेरी स्मार्ट पब्लिक, थैंक यू फॉर ऑल द आंसर्स। अब आ जाते हैं इसके नैव के रियल फॉर्मूला के ऊपर, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन लोग गाइस कैलकुलेट करने वाले हैं नैव पर यूनिट। सर वो तो अपन लोग ने किया ना? हाँ किया, बट अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाने का टाइम आ गया है। जब अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना ये एग्जांपल, जहां पे मैंने श्रेयस को सीआईओ बनाया था, 1 to 12.25 का अपना आंसर आया था, तब मैंने खाली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। बट रियल लाइफ में तो मैंने तुम लोग को आज मॉर्निंग में बताया भी कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि खाली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। ये जो हमारा म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। ही कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। यू आर राइट सर। सो नैव पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? इट इज गोइंग टू बी दिस। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको अपन बोलेंगे प्यार से आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स भी इसको बोलते हैं। जब अपन लोग ने वो 12.25 कैलकुलेट किया था ना गाइस, तब ऑलमोस्ट अपन लोग यही चीज यूज कर रहे थे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आया था कुछ, देख लेते हैं यार मुझे नंबर्स याद नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आया था 24,50,000, नंबर ऑफ यूनिट्स आया था 2 लाख, नैव पर यूनिट आया अपना 12.25, याद आया? बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है? इस इन्वेस्टमेंट में बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है? इट कुड बी एनीथिंग। कैन आई से इक्विटी शेयर्स, सबसे पहला अपना फेवरेट, तो इसका मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं अपन, आई मीन लिया ही था अपन लोग ने। समझो, सुनो अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल पे जाते हैं वापस से। देखो मेरे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं सब एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। और एग्जाम्पल से ही अपन लोग, तुम लोग ने नोट किया कि नहीं पता नहीं मुझे, बट एग्जाम्पल से ही अपन लोग ने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया नैव पर यूनिट। अब अगर मैं ये खाली नैव पर यूनिट ऐसे ही लिखवा दूं ना कि पर यूनिट प्राइस मार्केट वैल्यू, तो शायद तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट बिकॉज वी हैव दिस एग्जांपल विद अस, नाउ इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब सुनना मेरे नेक्स्ट चीज को। 1 जैन को हम लोग ने इन्वेस्ट किया रिलायंस में, टीसीएस में, 10-10 लाख रुपया, एक का 2,000 शेयर खरीदा, एक का 500 शेयर खरीदा। इसमें 25 जैन को रिलायंस ने 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया। क्या वो अगर तुम लोग को पहले से पता होता तो तुम लोग इधर ऐड करते कि नहीं करते? 10 रुपीज पर यूनिट रिलायंस ने डिविडेंड दिया, तो क्या इंपैक्ट आएगा मेरे मार्केट वैल्यू के ऊपर? बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दो, आएगा मार्केट वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट कि नहीं आएगा? क्या मेरे नेट एसेट वैल्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरे को बता दो बस। 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर रिलायंस ने डिविडेंड दिया, क्या इंपैक्ट आएगा क्या एनएवी पे? अगर आएगा तो कितने रुपीज से आएगा, क्या होगा? तुम लोग थोड़ा मुझे एक आइडिया दो ना। करेक्ट, कैन आई से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ जाएगा? इट विल इंपैक्ट एनएवी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 2,000 शेयर्स मैंने खरीदा है मेरे म्यूचुअल फंड ने, मेरे को 10 रुपीज पर शेयर मतलब 20,000 रुपीज मिलेगा। सो ये 24,50,000 के जगह पे 24,70,000 डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? हर्ष पारिक बोल रहा है नैव डिक्रीज होगा। नहीं बेटा, नैव इंक्रीज होगा। तूने रिलायंस के, तू म्यूचुअल फंड है, तूने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस का शेयर जो है ना वो तेरे को दे रहा है डिविडेंड। तो अभी अगर रिलायंस के शेयर से तेरे को डिविडेंड आया तो तेरे पास तो 2 लाख शेयर्स है, 2,000 शेयर्स है, तेरे पास 10 रुपीज पर डिविडेंड आया है, तो तेरे को तो 20,000 डिविडेंड और एड हो गया ना तेरे वैल्यू में, बराबर के नहीं? हर्ष भाई समझा नू तुमने? क्लियर एवरीबॉडी? सो
इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू तो आएगा ही, और साथ में अगर इस बीच में कोई इक्विटी शेयर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा बरकरार। गॉट इट एवरीबॉडी? यस, राइट। सो अगेन समझो, 25 जैन को अपने पास डिविडेंड आ जाएगा, तो मैं बोलेगा अरे वाह डिविडेंड आने दो भाई, तो मेरे पास डिविडेंड भी आ गया है, 20,000 मैंने डिविडेंड भी ऐड कर दिया। गॉट इट, डन। दूसरा दूसरा मैं इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकता हूं बताओ? सर डिबेंचर्स में भी तो कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी कर सकते हो। आ जाओ, सेकंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इसका भी मार्केट वैल्यू रहेगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट इसके ऊपर, तो इंटरेस्ट मिलता है ना अपने को डिबेंचर बॉन्ड के ऊपर, वो भी ऐड हो जाएगा मार्केट वैल्यू में। आड़ दो जहां से पैसा आता है, राइट, सिंपल थंब रूल, जहां से पैसा आया म्यूचुअल फंड कंपनी को, सब ऐड करते जाओ, सब ऐड करते जाओ। सेम इंपैक्ट फॉर बोनस शेयर। यस, जो बोनस शेयर का तेरा इंपैक्ट आता है वो इंपैक्ट दे बिंदास, नीत भाई नो टेंशन। सपोज मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो थोड़ा पैसा, देखो ना मेरा फर्स्ट एग्जांपल में तो मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया था, बोनस शेयर मिले तेरे को, राइट शेयर मिले, जो शेयर मिले, जो इंपैक्ट उसका मेरे नैव के ऊपर आएगा आएगा। सर बोनस शेयर का क्या इंपैक्ट आएगा, राइट शेयर का क्या आएगा, वो देखेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है, बट इंपैक्ट आएगा, सिंपल, दैट्स द होल बेसिक पॉइंट। समझो मैंने सर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया तो रियल एस्टेट का मार्केट वैल्यू प्लस अगर उसमें से अपने को कुछ कुछ रेंटल इनकम हुआ तो वो भी ऐड हो जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? तो कहीं से कुछ भी हो यार, ऐड कर दे दो। समझो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो ये रियल एस्टेट का भी मार्केट वैल्यू आएगा बेटा, इसका रेंटल इनकम अगर मिला तो भी आएगा, नहीं मिला तो नहीं आएगा, सिंपल। एनी अदर मिसलेनियस इनकम, मतलब इन शॉर्ट कोई भी पैसा आया सब, एनी अदर मिसलेनियस इनकम, जो भी पैसा है। और एक चीज, अगर मेरे पास कोई कैश पड़ा है तो वो भी इधर ही ऐड हो जाएगा। अभी समझो ना, मेरे पास 1 करोड़ रुपया, 100 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज मेरे पास आया मेरे अकाउंट में एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, मैं उसमें से 98 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, रियल एस्टेट में, 2 लाख मैंने अपने पास बचा के रखा है, तो वो 2 लाख इधर ऐड हो जाएगा, वो 2 लाख इधर ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को बेटा? ठीक है, अगर मेरे को एक जनरल चीज लिखना है तो मैं ये जनरल चीज लिख दूं क्या, विद योर परमिशन, के जो भी एसेट में इन्वेस्ट करो, जो भी एसेट में इन्वेस्ट करो उस एसेट का मार्केट वैल्यू प्लस इनकम फ्रॉम दैट एसेट। ओके, इनकम फ्रॉम एसेट मीत, 2 मिनट, तेरा डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब ये सब तो सर अच्छी बातें हो गई, पैसा आया आया आया, ये हो सकता है कभी कभी इक्विटी शेयर्स का वैल्यू गिर भी सकता है, अभी तक तो सब अच्छा अच्छा ही दिख रहा है अपने को। सपोज यहां पे 500 रुपया पर शेयर पे इन्वेस्ट किया, हो सकता है ये कल उठ के 500 की जगह 300 पर शेयर हो जाए, तो उतना आपका नैव कम भी हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं है बढ़ते ही जाएगा, तो उतना अपना नैव कम हो जाएगा। समझ में आया गाइस? यस सर समझ में आ गया, नो टेंशन। अब सुनो ध्यान से, यहां ये तो मैंने खाली इनकम इनकम की बात की, अब इतना सारा म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है उसका क्या, वो लोग भी ऑफिस लेकर बैठे हैं, वो लोग भी यहाँ पे, वो लोग का भी एडमिन चार्जेस होता है, वो लोग को भी एक अपना पूरा जो आईटी सॉफ्टवेयर का सब काम है उसको मैनेज करना है, उसका क्या? सो लेस कर देते हैं ना सर, इसमें से अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस हुआ है, सर गोल्ड भी आएगा ना इन्वेस्टमेंट में? यस मेरे भाई, तो इधर देख मैंने इसीलिए लिख दिया, जो भी एसेट
एनी एसेट माय बॉय, एनी 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 एसेट, गोल्ड ले, सिल्वर ले, मेटल ले, तेरे को जो लेना है ले, एनी एसेट में इन्वेस्ट किया है, उस एसेट का मार्केट वैल्यू और उससे अगर कोई इनकम आया सब ऐड हो जाएगा। जनरली पॉइंट ही लिख दिया, नो टेंशन। लेस लेस मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस इंकर्ड। भाई ये सब मैनेज करने के लिए एक्सपेंस भी तो इंकर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो रियल एस्टेट मतलब से फॉर एग्जाम्पल किसी घर में इन्वेस्ट किया, तो घर को मैनेज करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस बिल करना पड़ेगा, तो वो सब एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा। लेस एक्सपेंसेस इंकर्ड टू रन अ म्यूचुअल फंड कंपनी, लेस एनी अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी है सब यहां पे मेरा माइनस हो जाएगा। गॉट इट? जब ये माइनस हो जाएगा ना, तब मुझे मिल जाएगा मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस। इधर इधर देखो, मेरा नैव क्या बन जाएगा, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर लिखने का टाइम भी दूंगा, 2 मिनट देखना। तो मेरा नैव क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस एक्सपेंसेस, या इसको बोल सकते हैं अपन लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी है, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। जब इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा जी, अपने को मिल जाएगा नैव पर यूनिट, अपने को मिल जाएगा नैव पर यूनिट। ए समझी गुरु? Got it, everybody? Yes, sir. समझ रहे हैं ना गाइस? ये टोटल वैल्यू आ गया, इसमें से एक्सपेंस माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ये अपन लोग ने पूरा इधर लिख लिया। उसमें से एक्सपेंस माइनस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास आज बचा है उतने से डिवाइड हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा नैव पर यूनिट। एनी डाउट्स? तुम लोग को ये लिखना है लिख लो, हो जाएगा तो बोल देना, डन। कौन राइट डाउन?
हाँ भाई चलो लेट्स मूव ऑन। यस गाइस चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हैं ना। बहुत हो गया सर, समझ में आ गया सर, बहुत थियरी हो गया, अब समझ में आ गया, अब हम लोग को एक सम सॉल्व करना है सर। ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन एवरीबॉडी। जी हाँ, आप अपना ऑप्टिमाइज्ड बुक खोल सकते हैं और वहां पे आप ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन। चलो लेट द गेम बिगिन। Here it is. The following portfolio details of a fund are available. Stock A, B, C, D. Shares 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 6 lakh. Price 35, 40, 20, 25. The fund has accrued management fees with portfolio manager totaling rupees 30,000. There are 40 lakh units outstanding. What is the NAV of the fund? इफ द फंड इज सोल्ड विदाउट लोड व्हाट इज द सेल प्राइस। ये ठीक है, ये मतलब ठीक है, इसका तो कोई कुछ नहीं होगा। ये वाला पहले आंसर अपने को करना है क्या, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या आप लोग नैव खुद से कैलकुलेट कर पाओगे? 2 मिनट दो तुम लोग को कि मैं सीधा स्टार्ट कर दूं। देखो मेरा एक सिस्टम है, जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करवाता हूं ना, तो आई गिव फर्स्ट 5 मिनट्स टू माई स्टूडेंट्स कि भाई मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बेस पे अब मैं सम सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो पहले मैं तुम लोग से हाथ पैर मरवाऊंगा, हो सकता है कि तुम लोग को कुछ भी ना आए, हो सकता है थोड़ा तुम लोग ट्राई कर पाओ, हो सकता है कुछ रॉन्ग चले जाए, दैट्स ऑल ओके, डू द मिस्टेक्स दैट यू वांट टू डू हियर, फिर बाद में मैं सॉल्व करूंगा एंड देन यू हैव टू चेक हाँ भाई अपना आंसर मैच हुआ कि नहीं, राइट। सो यही अप्रोच तुम लोग के साथ भी रखूंगा, दैट विल बी गुड। चलो कम ऑन गाइस, बोलो बोलो, टेल टेल। चलो टाइम दिया, रीड किया तुम लोग ने, स्टार्ट करें, आ जाओ। सॉल्यूशन, ओके, आंसर्स आना चालू हो गए हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुनो, एग्जाम में जब तुमको ये सम सॉल्व करना है ना, तो तुम लोग के पास दो चीजें हो सकती है। हो सकता है ऐसा सम तुमको एमसीक्यू में आ जाए, अगर ऐसा सब एमसीक्यू में आया देन यू कैन डायरेक्टली लिसन टू मी, तुम लोग डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करके लिख सकते हो क्योंकि तुम लोग के पास एमसीक्यू खाली टिक करना है। बट अगर तुम लोग को डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन आता है देन मैं जैसे आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो आपको पहले नैव पर यूनिट क्या है बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, दैट सर नैव पर यूनिट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट इनकम प्लस मिसलेनियस इनकम प्लस कैश, जो भी है सब हम लोग ने ऐड कर दिया, लेस वी नो अक्रूड एक्सपेंसेस या जिसको अपन बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड वी विल फाइनली गेट नैव पर यूनिट, नैव पर यूनिट। तो अब इस सिचुएशन में तुम लोग ने देखो डायरेक्टली किया होगा, कोई ना नहीं बोल रहा हूं, बट सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करके तो मैं ही तुमको बताऊंगा। सो पहले अपने को लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मेरे पास टोटल कितने शेयर्स है, 4 शेयर्स है, तो मैं बोलता हूँ भाई देखो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स है, आई विल सी। सो देर इज ए बी सी एंड डी, टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 2, 3, 4, 6,
3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, बराबर है? ओके, मार्केट प्राइस कितना है इसका? मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, यस, 35, 40, 20, 25, वेरी नाइस, राइट इट डाउन, 35, 40, 20, 25, एंड अपने को फिर क्या मिल जाएगा बेटा? मार्केट वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? मार्केट वैल्यू, सो 2 लाख इंटू 35 कितना होता है? 70 लाख, 120 लाख. देखो ये सब चीज थोड़ी बोरिंग लगेगी अभी, क्योंकि तुम लोगों को तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर आ गया है, बट जो सिस्टम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना दीदी. फिर ₹80 लाख एंड लास्ट है ₹1 करोड़ 50 लाख. जब आप इसका टोटल करेंगे, कितना है आप लोगों का टोटल, उसको बोलेंगे अपन टोटल नेट एसेट वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, 4 करोड़ 20 लाख, करेक्ट. डन, ओके. अब अपना नैव कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन लोग? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आ गया है 4 करोड़ 20 लाख. इसमें से एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो वो माइनस करेंगे. देखो वो कितने हैं, यस, इट इज टोटलिंग ₹30,000. टोटलिंग ₹30,000. तो क्या बचेगा अपने पास? टोटल नैव कितना? 4 करोड़ 19 लाख 70 थाउजेंड डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. कितना है क्वेश्चन में देखो, दिया हुआ है 30,000, तो माइनस हो गया 40 लाख यूनिट्स है गाइस. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन. ये आपको मिल जाता है नैव पर यूनिट, विच इज रुपीज, what you gave me the answer, 10.4925 per unit. बताइयो, पहला सम अपना कंप्लीट होता है. आई होप नो डाउट्स व्हाटसोएवर टू एनीबॉडी. चल अब आ जाते हैं अपन लोग एक पिक्यूलियर पॉइंट के ऊपर जो स्पेसिफिकली आईसीएआई से कनेक्टेड. सर कितना डेसिमल लेने का? तो आईसीएआई कहता है दैट फॉर कैलकुलेटिंग नैव यू शुड टेक 4 डेसिमल्स अप्रोक्सीमेटली, एंड फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स टेक 2 डेसिमल. नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ सुनो, कभी कभी क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी फ्रैक्शन में देगा, एंड इट इज अलाउड इवन इन इंडिया. देखो इंडिया में शेयर्स शुड बी अ होल नंबर. होल मतलब 20, 30, 40, 75, 85, 82, 81, ये सब होल नंबर है. अमेरिका में शेयर्स भी फ्रैक्शन में हो सकते हैं. 81.30 शेयर्स लिया, 65.71 शेयर्स लिया, सो वहां पे डेसिमल में शेयर्स भी डेसिमल में होता है. इंडिया में शेयर्स आर ऑलवेज इन होल नंबर्स, बट जो नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट कैन बी इन डेसिमल्स. कि भाई 10.35 शेयर्स लिया, 81.40 शेयर्स यूनिट्स लिया. म्यूचुअल फंड है तो यूनिट्स विल यूज द वर्ड. सो आओ मैं लिखवाता हूं तुम लोगों, एक एग्जांपल लिखवाता हूं तो ध्यान में रहेगा. सो से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप परचेस करना चाहते हो एसके म्यूचुअल फंड. आप परचेस करना चाहते हो एसके म्यूचुअल फंड जिसका प्राइस है 210.59 पर यूनिट.
आपको बताना है हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स कैन बी परचेज, हाउ मेनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन आई परचेज। टेल मी, मेरे पास 10 लाख रुपया है, एक का है 210.59। बोलो बोलो, चल चल। हाँ डन। ओके, सब लोग का आंसर आ गया है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसा मैंने बोला था, इट कैन बी इन डेसिमल्स। तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करोगे आप लोग, बोलो बोलो चल चल। सो आप बोलोगे सर 10 लाख। सर मेरे पास 10 लाख रुपए है, सर एक यूनिट का है 210.59 पर यूनिट, सो आई विल गेट 474 4748। कितना बोला जो तुम लोग बोल रहे हो, वही मैं लिख रहा हूँ, 4748 पॉइंट। एक सेकंड, मुझे अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहा है। कोई बोल रहा है 4748.56। ओके ओके, गिव टू डेसिमल्स। हर्ष ने एक डेसिमल दिया, हर्ष 2 डेसिमल दे मेरे भाई। विमल, ओके करेक्ट। सो 4748.56 यूनिट्स, 4748.56 यूनिट। समझ में आ गया सब लोग को? डन। तो नैव पर यूनिट के लिए 4 डेसिमल रखो, नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 2 डेसिमल रखो। लिखवा दो सर, लिखवा दो, आ जाओ। नैव पर यूनिट 4 डेसिमल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 2 डेसिमल्स, लिख लो। ओके, डन हो गया क्या गाइस? ओके, सो अब जो भी अपन लोग ने पढ़ा है, थोड़ा उसको अपन लोग समेट लेते हैं। आई विल वी विल समराइज। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये अपने को पता है ना, अभी कोई भी पूछेगा तो कॉन्फिडेंटली वी कैन टेल देम, राइट? ओके, सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? कैन आई से इट इज अ पूल? पूल मतलब जमा करना ऑफ पब्लिक सरप्लस मनी। आजकल तो लोग लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालते हैं। पब्लिक सरप्लस मनी इन्वेस्टेड विद अ प्रोफेशनल मैनेजर पूल ऑफ पब्लिक सरप्लस मनी इन्वेस्टेड विद अ प्रोफेशनल मैनेजर फॉर अ स्टिप्यूलेटेड फीस। एंड द
रिमेनिंग रिटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स. ठीक है सर, बट लोन इंटरेस्ट रेट वुड बी हायर देन एमएफ रिटर्न्स. नो स्वाति, द लोन टेकिंग रेट विल बी लोअर. तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स बेटर रहता है, बट अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल, नेवर एडवाइजेबल टू अप दैट यू टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट. इट्स द वर्स्ट थिंग एवर. शुड नेवर डू दैट. चलो फिर बाद में आज अपन लोग ने सीखा एनएफओ क्या होता है. इनिशियल पीरियड ड्यूरिंग विच म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी परचेज एट फेस वैल्यू. जैसे मालूम है अपना शेयर्स में होता है फेस वैल्यू, वैसे म्यूचुअल फंड यूनिट का भी फेस वैल्यू हुआ ना. से फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको बोल रहा हूं 10 रुपए का ये यूनिट है, तो वो उसका फेस वैल्यू हो गया, बराबर के नहीं. तो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू. जैसे यहां पे जब हमारे वीके भाई ने म्यूचुअल फंड को दिया तो इट इज 10 per unit. सो ये उसका फेस वैल्यू हो गया. 10 per unit क्या हुआ, उसका फेस वैल्यू. जैसे शेयर में होता है 10 rupees per share, उसका फेस वैल्यू. तो एनएफओ पीरियड में वो प्राइस उतना ही रहता है. एनएफओ पीरियड में आपको नैव कैलकुलेट नहीं करना होता है कि ऊपर नीचे जाएगा. एनएफओ पीरियड में इट विल बी 10 only. सो इट इज एनएफओ पीरियड में इट इज इशूड एट फेस वैल्यू पर यूनिट. चलो क्लियर एवरीवन. फिर एयूएम, एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट. भाई तुम लोग लिखते जा रहे हो ना कि बाद में लिखने वाले हो, क्या सीन है तुम लोग का. ओके, असेट अंडर मैनेजमेंट क्या लिखेंगे. कैन आई से टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स. फर्स्ट था साथ में लिख रहे ना, असेट अंडर मैनेजमेंट. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी. चलो और कोई टर्म जो मैं भूल रहा हूं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन. क्लोज्ड एंडेड ओपन एंडेड क्या है अपन लोग ने लिख लिया है. न्यू फंड ऑफर क्या लिख लिया है, एयूएम क्या लिख लिया है, यूनिट्स का सब लिख लिया है. एनी डाउट स्टिल हियर. अभी तक एकदम इधर दिमाग में सब सेट है गाइस. ठीक है ओके. अब ये देखो इधर एक क्वेश्चन नंबर 3 है. So, याद रखना, साथ साथ में थोड़ा होमवर्क भी देते रहूंगा तो प्रैक्टिस रहेगा तुम लोग का. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 विल बिकम योर होमवर्क. कर लोगे क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबॉडी, प्लीज टेक इट एज होमवर्क. ओके,
ट्राई करना, डाउट होगा तो पूछ लेना, सोल्यूशन भी दिया है, डिस्कस भी कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। ओके एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। आईसीएआई मॉड्यूल क्वेश्चन, आज के लिए थोड़ा एक हाई क्वेश्चन हो जाएगा ये, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो, समझ पाते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 एवरीबॉडी, तो वैसा सीन रहेगा, ठीक है आओ। और चलो उसके बाद और एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 विल बी योर होमवर्क अनदर। सो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन 3 है तो एक प्रैक्टिस मिल जाएगा, क्वेश्चन 15 के जैसा ही क्वेश्चन 16 है तो एक प्रैक्टिस मिल जाएगा, तो तुम लोग को भी एक रहेगा, हाँ भाई चलो प्रैक्टिस हुआ तो अपने को भी समझ में आ गया, ठीक है। सो ये अपन सिस्टम रखेंगे जितना हो सकेगा पॉसिबल। सो आज अपन लोग ने क्या किया, क्वेश्चन इन क्लास अपन लोग ने किया क्वेश्चन 1, और अभी अपन लोग करने वाले क्वेश्चन 15, एंड होमवर्क में मैं तुम लोग को दे रहा हूं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 16, ठीक है। चलो आ जाओ एवरीबॉडी, ऑन दैट नोट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये डन, फिर अपना आज का सेशन डन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 एवरीबॉडी, प्लीज ओपन। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट्स अंडर द अंडर इट्स ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन LMNP, 20,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स। 1 फरवरी को मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, कैलकुलेट द नैव ऑफ द फंड 101%। यू डोंट नीड मी इन दिस, क्या आप ये खुद से कैलकुलेट कर लोगे? ऑब्वियसली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट, कम ऑन कम ऑन, चलो चलो साथ में सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे पता है तुम लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब चीजें ना बाद में जाके आपको प्रॉब्लम देगी, प्लीज एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग इट। सपोज कभी आपके घर पे आ गया मैं और मैंने बोला शो मी द बुक्स, तो पकड़े ना जाने चाहिए आप। कैलकुलेट नैव पर यूनिट, LMNP, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2030 2060, ट्वेंटी थाउजेंड, 30,000, 20,000, 60,000। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है एज ऑन 1 फरवरी, सो ये अपन ला जो नैव आएगा वो एज ऑन 1 फरवरी आएगा, ध्यान रखना 1 फरवरी 20, 312.4, 361.2, 505.1, एंड फाइनली मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। अब आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू, आइए 20,000 × 20, जी हाँ ये होता है 4 लाख। अब यार ये सब कैलकुलेशन भी मेरे पास से कराओगे, शर्म नहीं आएगा तुम लोगों को? बताओ जल्दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है, चल जल्दी मुझे बताओ ना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है। फोर करोड़ 73 लाख 2,000, समबडी प्लीज कंफर्म, 4 करोड़ 73 लाख 2,000। फोर करोड़ 73 लाख 2,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख,
NAV पर यूनिट विल बी, श्याम सुंदर तेरा क्यों आंसर रॉन्ग आ रहा है, 73.8367। ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो इजी था, इसमें तो भाई कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर तुम लोग का आंसर आया होगा तो 78.84 आ रहा है, परफेक्ट। वो लोग ने राउंड ऑफ कर दिया इंस्टीट्यूट ने, बट ठीक है, वी विल टेक इट फॉर 4 डेसिमल्स। अब जो करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन, अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ ₹30 लाख टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस इज हेल्ड इन बैंक, इन सच अ केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। ओके, अब सुनो क्या हुआ है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं सर। इसमें सेकेंड फेब का नहीं निकालना है नैव, निकालेंगे ना सेकेंड फेब का, निकालेंगे ना, लिखा तो है फाइंड द न्यू नैव एज ऑन 2nd February 2012, बोला तो है थर्ड पार्ट में, बट उसके पहले ये क्या इंटरप्रिटेशन है उसको देखते हैं। आ जाओ, अब सुनो, हमारे पास मिस्टर ए आए, बराबर है, अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, ए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, एंड आके बोले मेरे पास 30 लाख रुपीज है, मैं क्या करूं। तो मैंने बोला आजा मेरे फंड में इन्वेस्ट कर दे, मेरे फंड का वैल्यू है 83.8367 या 83.84, राउंड ऑफ करके लेना हो तो इस फंड में इन्वेस्ट कर दे। तो उसने बोला ठीक है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो वो आया मेरे पास, आया मेरे पास और उसने 30 लाख रुपीज मेरे को दिए एंड इन्वेस्ट किया एट द रेट नैव पर यूनिट, नैव पर यूनिट। मुझे बताओ उसको कितने यूनिट्स मिले होंगे, मिस्टर ए को कितने यूनिट्स मिले होंगे, कैन आई से मिस्टर ए को मिले 73.8367 पर यूनिट के हिसाब से, 78.8367 के हिसाब से, तो 78.8367 पर यूनिट के हिसाब से कितना आता है, बोलो बोलो, चल चल, तुम लोगों को आवाज आ रहा है क्या पीछे, कुछ ऊपर कुछ तो काम चालू है लग रहा है घर के ऊपर। 78. करेक्ट, कितना रहा है, 3805, 3.34 यूनिट्स। So 38053.34 units, समझ में आया। हाँ, अब सुनो, ए को इतना यूनिट्स अपन लोग ने दे दिया, राइट। सो सेकेंड फेब को अपने पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे देखो 6 लाख यूनिट्स तो है ही अपने पास, प्लस 38053.54 यूनिट्स अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाता है 6,38,053.54 यूनिट्स। समझ में आया एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल। ओके, तो मेरे पास अब इतना यूनिट्स आ गया, अब मेरे को तो नेट एसेट वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, बराबर है, क्योंकि थर्ड पार्ट में वही बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है। ओके, अब नेट एसेट वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, आओ देखते हैं। सबसे पहला है मेरा एल लिमिटेड। अच्छा, और एक चीज, ये जो 30 लाख रुपीज आया है, ए ने अपने पास ही रखा है, ए ने उसको यूज किया, ए ने यूज किया किसमें यूज किया, कंपनी परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, तो कंपनी ने एम लिमिटेड के शेयर्स परचेज किया है बॉस। तो एम लिमिटेड के शेयर्स जब कंपनी परचेज करती है एट दैट पॉइंट इन टाइम कितने शेयर्स अपने पास आ जाएंगे, वो तुम लोगों को मेरे को यहां पे बताना है। तो यहां पे बोल दिया है 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, तो कितना अमाउंट गया, सो मिस्टर ए ने जो रुपीज 30 लाख दिया था उससे
कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने शेयर्स खरीदा, किसका? एम लिमिटेड का। कितना? 8,000 शेयर्स एट द रेट। आप ये देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि 1 फेब 3:30 PM से लेकर 2 फेब 3:30 PM तक के बीच में अगर कोई भी आता है तो जो ओरिजिनल है उसी के ऊपर रहेगा। सो यहां पे वी विल से दैट वी हैव परचेज द शेयर्स एट द रेट 312.4। सो हम लोग ने 312.4 पर शेयर के हिसाब से खरीदा, तो कितना अमाउंट हो गया? 8,000 इंटू 312.4 इज इक्वल टू 24,99,000। अच्छा, ये वाला तुम लोग 3-4 बोल रहे हो क्या? ठीक है भाई, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रे बाबा, मेरे को कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है भाई। हाँ, अभी तो देखो, कहना इससे मेरे पास टोटल जो शेयर्स खरीदा वो मैंने खरीदा 24,99,200 रुपीज का, पर उसने तो मुझे 30 लाख रुपीज दिया था, तो जो बैलेंस है वो कहाँ पे है? द बैलेंस विल बी इन कैश। कितना? 30 माइनस 24,99,200, विच विल बी इक्वल टू रुपीज 5,08,000। क्या समझ में आया आप लोगों को इतना गाइस, कि ये बैलेंस 5,08,00 मेरे पास कैश में पड़ा है, मेरे पास कैश में पड़ा है। ए समझ गुड़ू। अब अगर मेरे को कोई बोलता है कैलकुलेट द नैव एज ऑन 2 फेब, आई कैन कैलकुलेट। समझे क्या तुम लोग? सबसे पहले तो 30 लाख रुपए आया, तो उसको कितना यूनिट्स दिया? 3,805, 3.34 यूनिट्स दिया, तो टोटल अब मेरे पास 2 फेब को 6,38,005, 3.34 यूनिट्स है। अब 2 फेब का मेरे को नैव कैलकुलेट करना है। नैव कैलकुलेट करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। मेरे पास एक एम के 8,000 शेयर्स मैंने खरीद लिए, ये 30 लाख रुपीज में से, एट द रेट 312.4 जो क्वेश्चन में दिया है। सो अब जो बच गया 30 लाख में से 24,99,200, तो एम खरीदने में यूज हो गया, 8,000 शेयर्स खरीद लिया, जो बच गया वो क्या है? कैश। और ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक, बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक। प्लीज एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार रीड करने का। आई डोंट नो मैंने टाइम दिया कि नहीं, बट इट्स ओके, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। अब फाइनली नैव एज ऑन 2 फेब में कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास कौन से शेयर्स है? LMNP, तो मेरे पास है LMNP। एल कितने शेयर्स है? 20,000। एम कितने शेयर्स है? मेरे पास है 30,000, बट कहना इससे 8,000 मैंने और परचेज किए गाइस। सो मेरे पास टोटल एम के कितने शेयर्स है? 30,000 शेयर्स प्लस 8,000 शेयर्स, बाइस मेरे पास अब एम के 38,000 शेयर्स हो गए हैं, एल के 20,000 शेयर्स। वो तो ज्यों के त्यों, जितने थे उतने ही है। वॉट वी हैड वॉट वी हैव, एम ओनली इंक्रीज हुआ है। एम अपन लोग ने ये 30 लाख रुपीज से एम 8,000 खरीदा है। राइट। ओके, अभी एन है 20,000, पी है 60,000। 20,000 एंड 60,000। अब इसका मार्केट प्राइस ऑन 2 फेब, मार्केट प्राइस ऑन 2 फेब कितना आएगा? 20.5, 360, 383.1, 503.9। तुम लोग को मुझे बताना है टोटल कितना अमाउंट आता है गाइस, प्लीज टेल मी। चलो इधर से देखें, देखो 20,000 इंटू 20.5, 38,000 इंटू 360, 20,000 इंटू 383.1, 60,000 इंटू 503.9, एंड यह आ जाता है 519,86,800, 519,86,800, यह आ जाता है। इसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट,
गाइस इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? करेक्ट, कैश बैलेंस जो अपने पास बचा है 5,08,000 का, ये 0,00, 5,19,86,000 कर दो इसको, प्लस कैश बैलेंस 5,08,000, एंड फाइनली वी विल गेट 5,24,86,800 इज माई नेट एसेट वैल्यू। कितने लोग हैं जिसको ये बाउंसर जा रहा है? जो भी है डाउट्स पूछ ले भाई, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट मिल जाएगा। वैसे इजी है फ्रेंकली स्पीकिंग, 5,24,86,800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी मेरे पास कितना है ये अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 638,053.34, 638,053.34 यूनिट्स। याद रखना ये हिडन एडजस्टमेंट है कैश का, कई लोग भूल जाते हैं ये लेने को कि भाई अपने पास तो कैश पड़ा है 5,08,000। एंड द फाइनल आंसर इज, नेव पर यूनिट आता है 82.2608 पर। हे विद दिस वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 15। अब जो भी डाउट्स है बिंदास पूछो, वैसे तो इजी सम था ये, अगर सिस्टमैटिकली करते जाओगे तो यू फाइंड इट वेरी इजी। अगर तुम लोगों को ओरिजिनल लैब का फंडा समझा है और तुम्हारे को मैंने सीआईओ बनाया तो तुम लोग ये कैलकुलेट कर पाओ। टेक योर टाइम। इजी है, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट टू नो। तुम लोग ने भी सॉल्व किया या खाली ऊपर ऊपर से देख लिया? सॉल्व किया ना, गुड। एक टाइम पे आईसीआई में ना 4 या 6 माह के लिए आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बहुत पहले की बात है ये, बट नो डाउट डन। सो कैन आई से विद दिस वी कैन से टुडे सेशन इज डन। आज तक अभी तक जो भी समझा है आज के सेशन में, किसी को कोई डाउट्स? पूरा समझ में आ गया सब कुछ? दो सम्स भी हो गए, दो सम्स होमवर्क भी दे दिए और कॉन्सेप्ट भी अपन लोग ने ले डाउन कर दिया है। ग्रेट, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा स्पीड बताओ, स्पीड बराबर था? शुड आई कंटिन्यू विद दिस सेम स्पीड? फास्ट लगा, स्लो लगा या परफेक्ट लगा? लेट मी नो। और आप गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है एवरीथिंग। कल भी मिलेंगे 7 AM। सो अभी अपन लोग ये बोलते हैं ना, रेगुलरिटी से स्टार्ट हो गया है आज सेशन तुम लोग का। सो या सेम टाइम सेम प्लेस।
बाय, सी यू ऑल टुमारो 7 AM। होमवर्क करके आना और होमवर्क मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग शेयर करोगे। यस, ठीक है, मैं चेक करूंगा कि तुम लोग ने होमवर्क किया है कि नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, होमवर्क को हल्के में मत लेना। मैं तुम लोग का होमवर्क, मेरे को चाहिए कि एवरी पर्सन शुड सेंड मी द होमवर्क थ्रू व्हाट्सएप। ओके, 16th क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। कवल जी 2 मिनट रुक जा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज टू सेंड मी द क्वेश्चन ऑफ होमवर्क एंड आई विल सी बराबर है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तुम लोग को करेक्ट कर दूंगा। अगर तुम लोग को डाउट हुआ तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। जी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। ये रहा ये क्वेश्चन, कवलजीत ये ले, फोटो ले ले, लेना है तेरे को तो। 3 एंड 16, और फिर बाद में सपोज इसमें डाउट आया तो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो, ठीक है। थैंकफुली होम सोल्यूशन भी दिया हुआ है, डू नॉट लुक एट द सोल्यूशन, सॉल्व करना और बाद में देखना। सी फाइनली टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। होमवर्क भेज देना, कल मिलते हैं। अब लेवल और बढ़ते जाएगा, अब और मजा आते जाएगा।